हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की सिक्स क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखें, दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज, और उसमें 16वां पाठ जो कि एक कविता है चींटी के ऊपर। तो चलिए आज इस कविता को डिटेल में समझेंगे, पर समझने से पहले मैं जो इसका सार है आप लोगों को वो बता देती हूँ। देखिए, इस कविता में कवि कहता है कि चींटी को भगवान ने कितना छोटा सा बनाया है, पर वह कितनी परिश्रमी मेहनती है। वह गिरती पड़ती भी कठोर परिश्रम करती है और हमें समझाती है कि मेहनत करने से कभी हार ना मानो, इसी से विजय की प्राप्ति होती है। जो मेहनत करता है उसे सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। अब स्टेंजा समझते हैं। पहला, चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है, छोटी उसकी काया है, ये भी प्रभु की माया है। चलिए अब इसमें जो कठिन शब्द हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहला है निर्भय, उसका मतलब होता है निडर, जो बिल्कुल भी डरे नहीं। वैसे ही श्रम का मतलब होता है मेहनत, तन्मय का मतलब लीन, काया का मतलब शरीर, प्रभु का मतलब होता है ईश्वर, ये तो सबको पता ही है। तो चलिए अब इसमें बता देती हूँ कि कवि क्या कह रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने चींटी का उदाहरण देकर श्रम मेहनत के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि कहता है कि चींटी कितनी निडर है, इधर उधर घूमने में उसे कोई भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। वह अपनी मेहनत में लीन रहती है, मगन रहती है। उसका शरीर छोटा है, यह ईश्वर की अनोखी माया है। मतलब चींटी चाहे बहुत छोटी होती है, परंतु वह लगातार मेहनत करती रहती है। आगे दूसरा स्टेंजा जो है उसमें बताया गया है, अथक परिश्रम करती है, गिरती है, चल पड़ती है, हमको यह सिखाती है मेहनत से ना मानो हार। अब कठिन शब्द कौन से है? अथक का मतलब होता है बिना थकान के, ठीक है, यानी बिना थके हुए वो काम करती है। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना। वैसे ही सिखाती है, इसका मतलब होता है सिंपल कि हम लोगों को सीख देती है, पाठ पढ़ाती है इस चीज का। और हार का मतलब क्या होता है? पराजय। तो यहाँ पर भी इसमें कवि ने चींटी का उदाहरण से मनुष्य को श्रम मेहनत का महत्व समझाया है। मतलब चींटी की विशेषता प्रकट करते हुए कवि कहता है कि चींटी बिना थके लगातार मेहनत करती है। वह कभी गिर पड़ती और फिर उठकर चल पड़ती है। वास्तव में वह हम मनुष्यों को सीख देती है कि मेहनत से कभी हार ना मानो। मतलब मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। आगे, अथक परिश्रम कर पहनो तुम सब विजयश्री का हार, चींटी का जीवन हमको यही प्रेरणा देता है। अब इसमें विजयश्री का मतलब क्या होता है? जीत। प्रेरणा का मतलब उत्साह। अब इनमें भी जो कवि है वो हमें क्या बता रहे हैं? कवि ने चींटी का उदाहरण देते हुए मनुष्य को भी मेहनत करने की प्रेरणा दी है। मतलब कवि ने या कवि चींटी के माध्यम से कहता है कि तुम सब मेहनत करने से कभी ना थको,
थके लगातार श्रम मेहनत करो, इससे तुम्हें जीत अवश्य मिलेगी। हम मनुष्यों को चींटी का जीवन यही प्रेरणा देता है, सीख देता है। मतलब चींटी अपने परिश्रम से हम मानवों को भी परिश्रम करने का पाठ पढ़ाती है। आगे, मेहनत जीवन का सर्वस्व, श्रम ही फल देता है। चींटी कितनी निर्भय है, अपने श्रम में तन्मय है। अब यहाँ पर सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ और श्रम का मतलब होता है मेहनत। अब इसमें फिर से कवि ने चींटी का उदाहरण देते हुए मनुष्यों को भी मेहनत करने की प्रेरणा दी है। मतलब कवि कहता है कि मेहनत जीवन का सब कुछ है। मेहनत से ही मनुष्य को फल प्राप्त होता है। चींटी कितनी निडर है, ठीक है, निर्भय मतलब निडर। वह हमेशा अपनी मेहनत में लीन रहती है। मतलब जीवन में उद्देश्यों की प्राप्ति परिश्रम यानी मेहनत से ही होती है, ये चीज याद रखने वाली है। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ इस कविता को आप लोग समझ चुके होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।